टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एन इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन होमवर्क टूडे इज सेकेंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एवरी ईयर कालीदास समन इज गिवन बाय मध्य प्रदेश स्टेट पिंक रिवॉल्यूशन पिंक रिवॉल्यूशन ये सवाल मेन्स दो हजार तेरह में भी आया था मैंने इसको प्रॉन प्रोडक्शन के बारे में लिखा था बट एन और दूसरे सोर्सेज इसको अनियन प्रोडक्शन फार्माक्यूटिकल और प्रॉन प्रोडक्शन बोलते हैं पिछले कुछ टाइम से ये पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग में भी ये वर्ड यूज़ हो रहा है पिंक रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इज ओवर सीन बाय विच मिनिस्ट्री द आंसर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री 1970-71 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया सुरेंद्र कुमार डे जी थे ये फादर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया कहते हैं कैश रिजर्व रेशो सी आर आर ये शेयर ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट है दैट बाय ने मैंडेट किया है टू बी मेंटेन विद द लेटर आर बी आई के पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश दैट इज कैश रिजर्व रेशो आज के सवाल है वेयर इज कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ज रिटन द बुक आनंद मठ इसका बहुत सिग्निफिकेंस है आनंद मठ विच वेव्स आर यूज बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल्ड टीवी रिमोट होता है इसमें हम कौन सी रेज यूज करते हैं नेम दैट इफ वी से दाइल्ड हैज एन आई क्यू ऑफ हंड्रेड आई क्यू कैलकुलेशन होता है अगर किसी चाइल्ड का आई क्यू हंड्रेड है तो उसका मतलब क्या है वॉट डज दिस मीन वट यू अंडरस्टैंड बाई दिस बेसल मेटाबोलिक रेट बी एम आर मतलब मतलब आईक्यू हंड्रेड का मतलब फिजिकल एज मेंटल एज में क्या मतलब है आई क्यू ऑफ हंड्रेड का वॉट यू अंडरस्टैंड बाई दिसिक रेट बी एम आर क्या होता है एंड स्मॉग स्म यू मीन बाय दिस वर्ड स्मॉग स्मॉग इज डिराइव फ्रॉम वॉट सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी है फॉइल्ड फॉइल्ड जैसे टेरर अटैक है उसको फॉइल कर दिया प्रिवेंट सम और अनडिजाइरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग उसको सक्सेस नहीं होने दिया अनडिजायरेबल चीज को थ्टेड thwarted, थॉटेड thwarted भी टू अपोज सक्सेसफुली लम्बास्ट दैट इज क्रिटिसाइज सम हार्शली बहुत बुरी तरह क्रिटिसिजम करना कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल जो ब्रेक कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना बीकन बीकन मतलब अ पर्सन और थिंग दैट वॉन्स ऑफर्स एनकरेजमेंट और गाइडेंस जैसे लाइट हाउस है मतलब होता है एक साइन है फेंट साइन है फीलिंग है क्वालिटी है जैसे ग्लिमर ऑफ होप इज ग्लिमर सो दीज आर समर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स है ट्वेंटी फाइव लैक साइन अप फॉर कोविड नाइनटीन जैब उट on जो कल हुआ था मार्च वन में इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम देखेंगे चाइनीज साइबर अटैक पॉवर मिनिस्ट्री ने कहा दीज आर समेनाइजेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिस न्यूज इज अबाउट अरावली रेंज कोल्ड कम्फर्ट दिस इज एडिटोरियल एफ ए टी एफ एंड पाकिस्तान दिस इज अबाउट बाइडंस पॉलिसी फूड प्रोसेसिंग रिवोल्यूशन नीडेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम फार्मर्स की इनकम डबल करना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट we'll सिग्निफिकेंट और इफेक्टिव टूल है देन विल प्रिपेयर अट दिस इज अबाउट मोस्ट वमेन मिस पे रेज ड्यू टू जेंडर जेंडर पैरिटी वेब एक्स रोल आउट बी पी सी एल नुमालीगढ़ फैक्ट्री एक्टिविटी और मंथ का बिगनिंग है मतलब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आई एच एस मार्केट का डेटा आया है दिस इज फेज टू ऑफ स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आज फिर रिवाइज करते हैं जी एस टी दिस इज हिंदी आर्टिकल संघीय एंड एकात्मक सरकार सी सेट सोल्यूशन एंड सम क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अवर रेफरेंस मटेरियल सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू फर्स्ट न्यूज है ट्वेंटी फाइव लैक साइन अप फॉर कोविड जैब on day one of expanded rollout. Prime Minister, first day, first shot. Prime Minister Narendra Modi saw being administered as COVID-19 vaccination कहाँ पर All India Institute of Medical Science New Delhi में और vaccine कौन सा लिया है Covaxin Covaxin में पिछले कुछ time से काफ़ी doubts भी raise हो रहे थे कि क्या ये efficacious है क्या इसको early approval तो नहीं दे दिया गया है क्या इसका administration safe and sound होगा या नहीं होगा यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने भी कोवैक्सिन का डोज लिया है सो दिस टेल्स दिस इज दिस इज एन एफिकेशियस एंड सेफ वैक्सीन ऐसी ही एक दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन कोविशील्ड बनाई है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सिन है भारत बायोटेक का रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीनेशन का लेना है वो आप अगर सिक्सटी प्लस हो फोर्टी फाइव प्लस हो और को हो तो ये कोविन पोर्टल में रजिस्टर कराएं गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्राइवेट में ढाई सौ रुपये लगेंगे एक एक शॉट के तो दिस इज़ अबाउट न्यूज़ व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है इस पॉलिसी में इस पॉलिसी में प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था तो गवर्नमेंट अब इस पॉलिसी को स्टडी करेगी पिछले कुछ टाइम से जो गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं ओ टी प्लेटफॉर्म्स के लिए और डिजिटल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के लिए दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है इसको फॉलो करना है दिस इज चाइनीज साइबर अटैक वर्ल्ड पावर मिनिस्ट्री कल ये एक इंसिडेंट हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर ग्रुप्स ने टारगेट किया वेरियस इंडियन पावर सेंटर्स को ये यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने बताया इससे क्या हुआ दिस आउटेज आउटेज इलेक्ट्रिसिटी चली गई बट यहाँ पर यह बताया कोई डेटा ब्रिज नहीं हुआ था और नॉर्मल सी भी फिर आ गई है पावर सेक्टर ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने बताया द पॉइंट इज कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है मतलब चाइनीज गवर्नमेंट की बैकिंग सेकंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सी ये एक बॉडी है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एन ये एक यूनिट है एन का स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसे अटैक होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको फॉइल करने के लिए दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये क्रिटिकल है मतलब ये देश की लाइफ है जैसे डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंस हुआ फूड एंड ग्रॉशरी एनर्जी जैसे पावर आउटेज हो गया था डेटा एंड क्लाउड स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स एंड ऑल एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज रोड नेटवर्क एक्सेट्रा कम्युनिकेशन वाटर हेल्थ टू वॉट ऑल आर दीज दीज ऑल आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ पूरा कंट्री अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कंट्री का सिक्योरिटी सोवर्निटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है दैट इज़ वाई ये बॉडीज़ हैं एक तो ये पेरेंट बॉडी है एन इन दोनों की वेबसाइट बहुत अच्छी है एक बार आप एन की वेबसाइट देखना एंड देन ये वाली वेबसाइट देखना एन की बहुत अच्छे से इसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशन है जैसे ये कुछ स्क्रीन हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एन सी आई आई पी सी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है सेक्शन सेवेंटी ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडेड टू थाउजेंड एट इसके थ्रू इसको बनाया गया है गजट नोटिफिकेशन सोलह जनवरी दो हज़ार चौदह को इसका काम क्या है नेशनल नोडल एजेंसी है कि ये जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको वो प्रोटेक्शन दे विजन क्या है फैसिलिटेट करे सेफ सिक्योर और रिजाइलियंट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द नेशन एंड मिशन है कि फैसिलिटेट करे प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उसका अनऑथोराइज एक्सेस को रोके क्योंकि एक अटैक साइबर अटैक में एक और चीज़ होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज डिनायल ऑफ सर्विसेज मतलब वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है एक्सेस नहीं हो रहा है दैट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज अनऑथोराइज एक्सेस को रोके मोडिफिकेशन यूज डिसक्लोजर डिसरप्शन इनकेपेसिटेशन या डिस्ट्रैक्शन इन सब चीजों को स्टॉप करें ये इसका मिशन और विजन है दिस नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर नाउ दिस इज एन टी आर ओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज आई अ वेरी गुड पी डी एफ ऑन दिस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग आई शेयर दैट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक अब सी हमको बहुत सारी चीज़ें आती है बट जब तक हम उसको लिख के नहीं देते ना लिख के नहीं देखते ना ये सारी चीज़ें हवा है ये रिलायबल नहीं है रिटेन नहीं होगी दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे लिखो इसे अपने शब्दों में लिखो आप सोर्सेज रेफर कर सकते हो डिफरेंट सोर्सेज एंड प्रिपेयर द बेस्ट आंसर दैट यू कुड मेक बेस्ट आंसर यहाँ पे अपना प्रिपेयर करिए देख के कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं फिर डेली ये बेस्ट आंसर आप प्रिपेयर करोगे सम स्टूडेंट्स आर डूइंग इट एवरी डे आई एम टेलिंग यू और विद इन थर्टी डेज आप देखना आपका नॉर्मल आंसर भी बेस्ट आंसर जैसा होने लग जाएगा सो डू दिस एवरी डे सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस चाइनीज अटैक और जी ट्वेंटी थ्री दिस इज हाई कोर्ट सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये सेकेंड है ग्रीन डे यहाँ पे क्वाली फ्लावर है दिस इज ग्रीन डे एन ने पूछा दिल्ली जल बोर्ड को टू एक्ट अगेंस्ट सीवेज प्लांट इन कॉन्डी सीवेज प्लांट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 ये बॉडी इंपॉर्टेंट है कुछ ही दिन पहले पड़ी है बिकॉज अभी इसके 10 साल पूरे हुए थे टू ट्वेंटी ट्वेंटी में एन जी टी सी आर पी सी से ये बाउंडेड नहीं है नेचुरल जस्टिस देती है ट्राइब्यूनल का मतलब होता है वो डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस को देखने के लिए आप बताओ आर्टिकल थ्री टू थ्री ए और थ्री टू थ्री बी क्या है दिस इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आई आई टी दिल्ली रिसर्चर्स डेवलप टेक्नोलॉजी टू रीसाइकल ई वेस्ट रीसाइकल रिड्यूस रीसाइकल ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आगे अभी हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन में उसमें भी बात किया है सेग्रीगेशन करना क्यों जरूरी है वेस्ट को सेग्रीगेशन मतलब ये गीला कचरा है ये सूखा कचरा है ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ये मेडिकल है ऐसे करके इसको सेग्रीगेट करना जरूरी है ई e वेस्ट और रिसाइकिल करना है इसके जो भी कॉम्पोनेंट हैं उसको हम वापस रीयूज करें रिसाइकिल करें रिड्यूस करें इसका दिस वेस्टेज का सो दिस इज पेज नंबर टू ये सीनियर सिटीजन है दोज विद कोम को मॉर्बिटिटीज गेट फर्स्ट शॉर्ट एक्सलेंट न्यूज प्री रजिस्ट्रेशन एंड वॉक इन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है एट मोस्ट सेंटर्स एन वैक्सीन पोर्टल में ऑब्वियसली कुछ ग्लिचेस हो रहा है इतने मास स्केल में ऑपरेशन होता है तो दिस इज एक्सपेक्टेड एप्स अनेबल था टू डील विद वॉल्यूम्स लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स बट इसमें करेक्शंस हो रहे हैं दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सफर ऐप भी है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट अरावली ये न्यूज़ है अरावली की अरावली में इलीगल माइनिंग अरावली क्या है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन्स दे आर ओल्ड और ये रेलिक बोला जाता है मतलब डायलैपिटेटेड कंडीशन में वंस अपॉन अ टाइम वर यूज बट राइट नाउ दे आर इन डायलैपिटेटेड कंडीशन बिकॉज दे आर क्वाइट ओल्ड द अरावली रेंज इज अ माउंटेन रेंज जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है छह सौ बानवे किलोमीटर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउथ दिस ऐसे ऐसे है अरावली स्टार्ट होती है जैसे दिल्ली से स्टार्ट हुआ फिर हरियाणा आएगा फिर राजस्थान आएगा फिर ऐसे करके गुजरात में आएगा ये पूरी अरावली है इसकी हाईएस्ट पीक है गुरुशिखर सत्रह बाईस मीटर पे है हाइट है उसका गुरु शिखर यहाँ रिवर है बनास लूनी साखी और साबरमती अहमदाबाद साबरमती के बैंक पे है लेंथ सेवन ट्वेंटी किलोमीटर और यहाँ पे फेमस हल्दी घाटी है एक बहुत फेमस हल्दी घाटी बैटल हुआ था ये किसके बीच में लड़ा गया था आप बताओ हल्दी घाटी और इसको हल्दी क्यों बोलते हैं हल्दी घाटी राजस्थान टेल नाउ अलाउ अस टू रिज्यूम माइनिंग इन अरावली हिल्स हरियाणा ने कहा सुप्रीम कोर्ट को हैज ग्राउंड द स्टेट्स इकॉनमी टू अ अल्ड अब हरियाणा के ये अरावली है हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आता है माइनिंग फ्रॉम दिस अरावली से बट माइनिंग से एनवायरमेंटल डैमेजेस होते हैं तो यहाँ माइनिंग बैन पे हरियाणा ने कहा इसको लिफ्ट करें अदरवाइज हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं इकॉनमी कोलेप्स हो रही है ये अरावली है गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है द ब्रंट ऑफ क्वारिंग क्वारिंग दिस मिट्टी एंड दिस पत्थर क्वारिंग एंड एन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो यहाँ पे उसने परमिशन मांगा है दिस इज एनवायरमेंटल असेसमेंट भी एक है इसकी नई गाइडलाइंस आई है 2020 में ये कोल्ड कंफर्ट है आगे सो दिस इज लद्दाख फिफ्टींथ मार्च में दिल्ली हार्ट लगेगा आई एन ए न्यू दिल्ली में एग्जीबिशन होगा लद्दाख की कारगिल ले के कल्चर क्राफ्ट एक्सेट्रा का यू गेट टाइम डू विजिट दिस इज हाई स्टेक्स डिसमेंट इनचेंटमेंट्स दिस इज अबाउट विधानसभा चुनाव कोल्ड कम्फर्ट यहाँ बात है पाकिस्तान का कोल्ड कम्फर्ट पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल के लिए ग्री ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रहेगा ब्लैक लिस्ट में नहीं आएगा ब्लैक लिस्ट में भी दो कंट्रीज हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान ने अवॉइड किया ब्लैक लिस्ट होना बट इट शुड एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे अभी हमने साइबर देखा स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइना साइबर टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है सो दिस इज बिग कॉज ऑफ वरी बट पाकिस्तान को अभी ब्लैकलिस्ट में नहीं रखा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अभी उसको स्टॉप करना है ये पेरिस बेस्ड थर्टी नाइन मेम्बर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है एफ ए टी एफ इसने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे कंट्रीज यहाँ पे मॉनिटर करेगी और तीन महीने का टाइम दिया है कि इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम करें टेरर फाइनेंस को लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन कि टी एफ क्या है एफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है नाइनटीन में बनी थी जी ग्रुप ऑफ कंट्रीज का इनिशिएटिव था पर्पज़ क्या था कॉम्बैट करें मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग पहले था पर्पज बाद में फाइनेंशियल टेरर फाइनेंसिंग भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा एफ़ ए सेक्रेटेरिएट हाउस डे ओ सी डी पेरिस में बारह मंथ का रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होता है 2019 में 37 सेवन मेम्बर्स इसके जुरिस्डिक्शन में इंडिया पहले ऑब्जर्वर था फिर बाद में इंडिया थर्टी कंट्री बना टू ज्वाइन दिस मबर ऑफ एफ ए ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि अब तो कॉल फॉर एक्शन है जैसे ईरान के लिए और नॉर्थ कोरिया के लिए शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन है कि नाउ दिस इज टाइम कॉल फॉर एक्शन यहाँ से सर से ऊपर निकल गया है ग्रे लिस्ट ग्रे लिस्ट में रखते हैं मतलब वो एक कंट्री सेफ हेवन है वो सपोर्ट कर रही है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि पाकिस्तान दिस इंक्लूजन मतलब एक वार्निंग है कि अभी टाइम है आप करेक्ट करो तीन महीने का टाइम दिया है अदरवाइज यू वुड बी पुट इन दिस ब्लैक लिस्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर ब्लैक लिस्ट में आएगा जैसे ग्रे लिस्ट में है सेंकशंस लग सकते हैं या फिर लोन्स में डिफ़िकल्टी होगा इंटरनेशनल ट्रेड एंड बॉयकॉट पॉसिबल है तो दैट इज वाई पाकिस्तान पे ये प्रेशराइज किया जाता है वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा कि स्टॉप दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दिस इज कोल्ड कम्फर्ट अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट बाइडन ये न्यूज भी है वाइटल बट डेलीकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील कुछ ही दिन पहले हमने ट्वेल्थ फेब को इस ईरान डील के बारे में जाना था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एक्शन प्लान ऑफ एक्शन ईरान डील क्या है ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इसको ऐसा करने से स्टॉप करना चाहता था दैट इज वाई फिर ये डील हुआ पी फाइव प्लस वन पी फाइव प्लस वन ईरान पी फाइव कंट्री परमानेंट फाइव और साथ ही जर्मनी चाइना फ्रांस रशिया यूके यूएस एंड दिस जर्मनी ये पी फाइव प्लस वन यहाँ पे डील साइन हुआ अग्रीमेंट ये था कि ईरान जो अपना एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का उसको चेक करेगा आई ये भी कुछ ही दिन पहले हमने देखा इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी तो आई इस यहाँ पे मॉनिटर करेगी बट ट्रम्प आ गए ट्रंप ने इस डील से पुल आउट कर लिया ईरान पे और ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंक्शंस लगे ईरान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे और चीज़ें यहाँ पे टेंशन डेवलप होने लग गए मीनवाइल ईरान और सऊदी में भी यहाँ पे टसल चल रहा है अब वापस बाइडेन आ गए बाइडेन मतलब डेमोक्रेट तो ईरान डील को फिर से रिवाइव करने की बात है ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसराइल ईरान नॉट फ्रेंड्स सऊदी ईरान नॉट फ्रेंड्स और यूएसए और सऊदी यूएसए इसराइल फ्रेंड्स थे यूएसए और ईरान भी फ्रेंड्स नहीं थे फॉर पास सी बाइडन का क्या टेक होता है फॉरेन पॉलिसी रिवर्सल्स जो भी है यहाँ पे ब्रुसेल्स भी अपना स्पेशली जो यूरोप है यूरोप यहाँ पे अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिमोन्स्ट्रेट कर सकता है लेट सी देन दिस इज अ लोन वेवर रेन एंड स्टेट फिजिकल कैपेसिटी ड्रॉट ये तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन से रिलेटेड है इन जनरल हम देखें तो लोन वेवर क्या होता है लोन माफ़ी लोन वेवर का मतलब होता है जैसे किसानों को लोन दिया फसल ख़राब हो गई वो वापस चुका नहीं पा रहे तो इससे पूरा जो लोन होता है उसकी माफ़ी हो जाती है अगर वेलफेयर का एंगल देखें तो बिकॉज प्रॉब्लम्स जेनुन है किसानों की अगर प्रॉब्लम्स जेनुन है लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं फिर वो डिस्ट्रॉट होता है एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोन माफ़ी होती है बट अगर प्योर इकोनॉमिक्स के टर्म पे देखें तो दिस लोन वेवर इज़ नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस इससे दो नुकसान होता है एक तो अननेसेसरी जो स्टेट के फाइनेंसेज हैं उस पर प्रेशर आ जाएगा कि आपने लोन दिया बट वो लोन माफ़ कर दिया तो ये लोन कहाँ से आएगा कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ये पैसा होगा टैक्स पेयर का ये अननेसेसरी बर्डन पड़ जाता है टैक्स पेयर पे कि आप इनका लोन की भरपाई यहाँ से हो रही है सेकंड इससे एक बैड हैबिट्स बन जाती है कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म होता है पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट मेजर कहा जाता है इससे तो इट सेट्स अ बैड हैबिट किसी पर्सन ने लोन पे किया किसी दूसरे ने लोन पे नहीं किया और बाद में आपने सबका लोन माफ़ कर दिया दिस पर्सन विल फील चीटेड सो फिर एक ऐसा टेंडेंसी होगा कि लोन देना बंद हो जाएगा और उससे फिर एन बनते हैं एन बनते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और फिर डिफ्रेंशिएट होने लग जाता है जैसे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में गवर्नमेंट बैंक होते हैं इनको प्रेशराइज़ भी किया जाता है कि आपको सर्टेन लोन्स फार्मर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ऐसे देना है अब बिकॉज वो प्रेशराइज़ भी हो रहा है लोन आ भी नहीं रहे हैं, तो इनका एन बढ़ेगा एन बढ़ेगा तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनका परफॉर्मेंस ख़राब होगा फिर गवर्नमेंट बोलती है कि ये बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक आर नॉट डूइंग वेल तो क्यों ना इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो अगर इकोनॉमिक्स प्योर टर्म में देखें तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये प्रूडेंट होनी चाहिए पॉपुलस्ट मेजर्स इकोनॉमी को बेनिफिट कम नुकसान ज्यादा उ करते हैं दिस इज दिस दिस स्टेट फिजिकल कैपेसिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है यहाँ पे फ्री इज नेवर फ्री फ्री इज नेवर फ्री अगर आपके लिए फ्री है तो सम्बडी एल्स इज पेइंग फॉर दैट कॉस्ट दिस फ्री तो ये पॉलिसी इकोनॉमिक्स में वी शुड बी केयरफुल द रश टू अप्रोप्रिएट आईकन्स अगेन इसमें पॉलिटिकल है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का विवेकानंद जी टैगोर बोस टू विन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन एन अनयूजल न्यू मीडिया कोड क्रिटिसिज्म है पॉलिसी मेकर्स जो लेके आए हैं एक तो इंडिया में ओ और डिजिटल मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेकेंड बिग टैक वर्सेज गवर्नमेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया में बोला कि जैसे गूगल है फेसबुक है ये मीडिया हाउसेस का न्यूज़ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड कंपनसेट पैसे दो इनको अदरवाइज ये मीडिया हाउसेज फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो रहे हैं कोलेप्स हो रहे हैं इंडिया में हाल में ऐसा कुछ लॉ नहीं आया है मीडिया हाउसेज वर्सेज बिग टैक में बट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात किया था और काफ़ी एक प्लेटफॉर्म रेडी किया था कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दिस इज़ मास्टर एंड द रोस्टर इधर बात है कोलेजियम का सुप्रीम कोर्ट में जैसे इलेक्शंस सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होता है तो इसमें फर्स्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस आया फिर मॉन्टेस क्यूक्यू का प्रिंसिपल होता है आर्टिकल फिफ्टी क्या होता है आप बताओ डी अभी कल परसों ही पढ़ा है हमने आर्टिकल फिफ्टी अब सी यहाँ क्या था कि जो अपॉइंटमेंट होता है जुडिशल पोस्ट में वो अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव से फ्री होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट अब बिकॉज जुडिशरी अपॉइंटमेंट करेगा तो वो क्या खुद ही के जजेस को खुद ही आपस में एक इंटरनल कमेटी बना के अपॉइंट कर देगा ये एक बड़ा एक एरिया है जिसपे कंटिन्यूसली डिबेट्स हुए गवर्नमेंट ने सोचा हम एक नया अमेंडमेंट लाते हैं नाइन्टी नाइन्थ अमेंडमेंट आया था और वो नाइन्टी नाइन पर ही आउट हो गया मतलब उसको क्वाश कर दिया जुडिशरी ने अल्ट्रा वायर बोल दिया जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एन आया था यहाँ कोलेजियम की बात हुआ है कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस तो हमें स्टॉप करना है सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है बट जो कोलेजियम का कंडक्ट है ऑनरेबल कोलेजियम जजेस का जो कंडक्ट है उसको भी यहाँ पे एक चेक एक हेल्दी प्रैक्टिस रखना इट्स इम्पॉर्टेंट

और एक और टर्म यूज होता है रिवेंजफुल राइज दैट इज़ वाई इंडिया का नेबर भी है कितनी बॉर्डर हम शेयर करते हैं चाइना से आंसर कुछ ही दिन पहले किया है चाइना के साथ बॉर्डर कितनी लंबी है हमारी एल ए सी कहाँ पर है मैकमोहन लाइन और एल एस सी में क्या डिफरेंस होता है टेल सो दिस इज चाइना और ये जो नया फॉर्म आया है दिस इज साइबर टेररिज्म टारगेट किया पावर सिस्टम पोर्ट सीज बट अभी ये इनिशियल रिपोर्ट्स है ऑफिशियली ऐसा कुछ कहा नहीं गया है सो लेट्स वेट प्रनमोल एंड जी ट्वेंटी थ्री एंड दिस इज विक्ट्री दिस इज को मॉर्बिडिटी लिस्ट है फॉर वैक्सीन एलिजिबिलिटी सीन एस टू नैरो मॉरबिडिटी मतलब कोई और भी बीमारियाँ हैं वो लिस्ट काफ़ी नैरो है इंडियन एक्सप्रेस में एक लिस्ट हैल पी जी सिलेंडर ये अगेन प्रॉब्लम पेट्रोल डीजल प्राइसेज और एल पी जी का प्राइस भी बढ़ गया है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी एग्जामिन होगी यू एस ट्रेड रिपोर्ट है फ्लैग्स इशू मेक इन इंडिया पॉलिसी यू एस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस चाहता है इंडियन मार्केट का और मेक इन इंडिया पॉलिसीज़ वगैरह में उसको बॉटल नेक्स लगता है यू की एक और डिमांड होती है कि जो हम टैरिफ लगा देते हैं जैसे हार्ले डेविडसन पर टैरिफ लगाया ट्रम्प कंटिन्यूसली ट्वीट करते रहते थे तो उस टैरिफ को कम करना चाहिए इंडिया बोलता है कि जो जी है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज उसमें इंडिया को री करो दिस इज़ ऑनगोइंग न्यूज़ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में जी हो सकता है इंडिया वापस ज्वाइन हो जाए इंडिया को ये मिल जाए जीएसपी फूड प्रोसेसिंग रिवोल्यूशन नीडेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग सी प्रोसेसिंग जैसे फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है इसमें अपन कुछ और इनपुट लगाते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं जैसे क्लीनिंग कटिंग सॉर्टिंग किया इस इसमें सेकेंडरी प्रोसेसिंग करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल से हमने पल्प बनाया कुछ पेस्ट बनाया कैन बना दिया उसको डब्बे में अच्छे से प्रोसेस करके उसको प्रिजर्वेशन किया जैसे जैम जेली चिप्स बना दिए आलू है आलू के चिप्स बना दिए और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा आपको फिर मिल जाएगा बेटर प्राइस डिस्कवरी ऐसी फ्रूट्स का जैम जेली बना दिया तो ये सब क्या है ये है फूड प्रोसेसिंग ग्रीनस एंड सीरियल में भी जैसे राइस है राइस पफ आटा वग़ैरह है इससे आपने केक बिस्किट ब्रेकफास्ट सीरियल बेकरी प्रोडक्ट्स बना दिए ऑयल सीड्स हैं इससे आपने ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल अच्छे से पैकेजिंग करके रिफाइन वग़ैरह कर दिया मिल्क से आपने चीज़ आइसक्रीम वगैरह बनाए मीट एंड पोल्ट्री से आपने रेडी टू कुट प्रोडक्ट्स मेरीन से आपने रेडी टू कुट तो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई इनपुट लगा तो इसका बेटर प्राइस डिस्कवरी भी हुआ इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग में रिवोल्यूशन नीडेड बिकॉज जो बेयर जो होता है ना फूड उसमें इतना प्राइस डिस्कवरी होता नहीं है जब उसमें प्रोसेसिंग हो जाता है जैसे ऐसे आप मैंगो लो फिर मैंगो का जैम्स जेलीज लो इसका प्राइस ज़्यादा आएगा मिल्क लो और फिर चीज़ लो प्राइस ज़्यादा आएगा और शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगा एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन होगा एक्सपोर्ट के नॉर्म्स फॉलो हो पाएंगे तो यूरोप वगैरह में जैसे अक्सर वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स में इंडिया के प्रोडक्ट्स को ब्लॉक कर देता है हम वहाँ पे इजीली सेंड कर पाएंगे बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड फार्मर का इनकम बढ़ेगा तो ये कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जैसे प्रिजर्वेशन की टेक्निक होती है ये पॉस्चुराइजेशन होता है दूध को गर्म करते हैं फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं तो इससे उसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाता है फर्मेंटेशन होता है चीज़ का पिकिंग ऑयल जो होता है ये एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव होता है नमक डालने से प्रिजर्वेशन हो जाता है तो ये एक तरीका है प्रोसेसिंग फूड सेफ्टी में वॉशिंग कुकिंग सॉल्टिंग सेफ्टी एंड दिस स्टरलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट देन उसका फ्लेवर वगैरह चेंज हो सकता है जैसे अरोमा चेंज करना है अपने कुछ ग्रेन्स डाले हैं एट्सेट्रा करके अपने उसको प्रोसेस कर दिया है देन आपने उसका टाइम रेडी टू मीट बना दिया उसे रेडी टू ईट कुछ कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रियट लेवल कर दिया इसको आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से ये सारी चीज़ें दिया है कि फ़ोर्टिफाई कैसे करें फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा उसमें मिनरल्स वग़ैरह कुछ डाल दिए ताकि ज़्यादा उसका मिनरल यूटिलिटी भी बढ़ गया फोर्टिफाई कर दिया किला बंद कर दिया मिनरल्स एंड वाइटामस का वाइटामिन डी डाला ग्रीनस बी वाइटामिन आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जिससे माइक्रोन्यूट्रियन डेफिशेंसी जो होती है उसको हम टेकल करें तो क्या है कि रॉ प्रोडक्ट है रॉ प्रोडक्ट से आपने उसको रिफाइंड प्रोडक्ट बना दिया दिस इज़ फूड प्रोसेसिंग ये मिनिस्ट्री भी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इसकी भी आज वेबसाइट विजिट करिए एक्सेलेंट वेबसाइट यहाँ बहुत सारे प्लान्स हैं जैसे मेगा फूड पार्क्स बनाने का है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग लार्ज स्केल में होगा कल हमने ऑपरेशन ग्रीन्स पढ़ा फूड सेफ्टी क्वालिटी होना ज़रूरी है एग्रो प्रोसेसिंग के क्लस्टर्स हों एच आर इंस्टीट्यूशन बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी बढ़े एंड कोल्ड चेन कोल्ड चेन है ना इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का कैटेगरी मिल गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का दिस टैग मिल गया है कोल्ड चेन तो ये सब चीजें जो हैं इससे क्या होगा फूड प्रोसेसिंग होगा जो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगा और वैल्यूएशन ज्यादा होगा तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्रिपेयर अ नोट ऑन फूड प्रोसेसिंग डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ मेगा फूड पार्क अभी काफी सारे अनाउंस हुए मेगा फूड पार्क सो दिस इज द सेकेंड वन फूड प्रोसेसिंग ये बायो हैकिंग हेल्थ है दिस इज अबाउट अ वर्ड ऑफ एक्शन और ये हैिमिनल चार्जेस ऑंग सॉन्ग सुकी ये बहुत टर्मोइल बढ़ता जा रहा है यहाँ पे चाइनीज एंड दिस इज ट्रम्प मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि वो वापस आ सकते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में फॉर प्रेसिडेंसी लेटेस्ट सी पी एल ए बॉर्डर जनरल टू एन पी सी यहाँ पर चाइना पी एल जो अभी एल एस सी इशू है ना ये सॉल्व नहीं हुआ है कम्प्लीटली नितिन याहू ब्लेम्स ईरान फॉर शिप अटैक इसराइल और ईरान में कभी फ्रेंडशिप नहीं होती यू एस टू कीप हार्ड लाइन्स ऑन चाइना जबकि इसराइल और यू ए ई और इसराइल और सऊदी आजकल काफ़ी अच्छे दोस्त बन रहे हैं इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया है यू एस टू कीप हार्ड लाइन ऑन चाइना ट्रेड जो बाइडन ने कहा लेटेस्ट सी ये फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट है एन में जो भी ग्लच आया स्टॉक एक्सचेंज में उससे थोड़े टाइम तक ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ इससे लॉसेज हुए इमेंसली टेक्नोलॉजी को रॉबूस्ट करना ज़रूरी है सो so दैट इस टाइप के ग्लचेस नहीं आए स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बिड्स कम आई जी का कलेक्शन बढ़ गया है जी एस टी फिर से करते हैं मारुति टाटा मोटर्स का डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है फॉर पास सम टाइम टाटा मोटर्स इज डूइंग रियली वेल इनके प्रोडक्ट लाइनअप एंड दिस स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा चल रहा है फैक्ट्री एक्टिविटी एक्सटेंड हुई है ग्रोथ इनपुट कॉस्ट सो मंथ का बिगनिंग है मतलब दिस पीएमआई का डेटा आया है यहाँ पे दिस पीएमआई एम आई डेटा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये रिलीज करता है आईएचएस मार्केट डेटा थोड़ा सा 57.5 सेवन पॉइंट फाइव आया लास्ट ईयर फिफ्टी सेवन लास्ट मंथ फिफ्टी था जनवरी में बट अभी भी फिफ्टी प्लस है फिफ्टी प्लस है मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है फिफ्टी माइनस हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है ग्रोथ है थोड़ा कम हुआ बट इट्स ओके प्रपोज डाइवेस्टमेंट है यहाँ पे बीपीसीएल का नुमालीगढ़ रिफाइनरी है इसको गवर्नमेंट यहाँ पे सेल करने का प्लान कर रही है सेल नुमालीगढ़ रिफाइनरी फॉर नौ करोड़ रुपए डाइवेस्टमेंट दिस बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मोस्ट मिस पे रेज ड्यू टू जेंडर ड्यू टू जेंडर लेंगडिन एक वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए लेंगडिन सर्वे ने बताया कि वुमेन को जेंडर के कारण कम पैसे मिलते हैं हमारे एक आर्टिकल भी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बराबर काम है तो बराबर तनख्वाह भी मिलना चाहिए सेम टाइप ऑफ वर्क है ये अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 का है कि एशिया पैसिफिक में देखा गया दिस थिंग आल्सो एग्जिस्ट दिस जेंडर स्टीरो और यहाँ पे ऐसे डिफ्रेंशिएशन हो जाता है वर्क में देन ग्लास सीलिंग भी आती है दिस नीड्स अ सिस्टमेटिक रिफॉर्म डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक स्लोली रिकवर हो रहा है पावर कंजम्पन भी बड़ा मतलब इकोनॉमी इज डूइंग गुड इंडिया सेकंड हाइएस्ट था वेब के लिए मतलब जूम गूगल मीट माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह हमने काफी यूज किया ये बिजनेस न्यूज है और ये फिर स्पोर्ट्स न्यूज है दिस इज जोकोविक जोकोविक ने इक्वल कर लिया है फेडर का रिकॉर्ड ऑल टाइम नंबर वन का वर्ल्ड नंबर वन तीन सौ दस हफ्ते से जोकोविक अभी नंबर वन पे है सो दिस इज हिंदू नाउ लेटेस्ट मूव टू इंडियन एक्सप्रेस आर बी आई ने कहा बैंक्स रिलेक्टेंट है टू लर्न बिग बिजनेसिस वाई बिकॉज बैंक्स जो होते हैं इनका लोन आता नहीं है और ये जो बड़े बड़े बिग बिजनेसिस होते हैं ये अक्सर लोन डिफॉल्ट करते हैं ये फ्यूजटिव भी हो जाते हैं तो बैंक्स यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते रिस्क अवर्जन होता है और इससे फिर इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होती है द आइडिया इज टारगेट दिस ये जो हैबिट ही है ना कि लोन लेके वापस नहीं करना इसको बहुत स्ट्रांगली डील करना चाहिए अदरवाइज फिर जो जेन्यन होते हैं जो लोन लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं रिटर्न भी करते हैं वो सफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस बैड बैड एप्पल्स फ्लैग्स मॉडरेशन इन होम लोन ऑफ टेक आर बी आई गवर्नर सब का टेक है ये महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिक ब्लो था और यहाँ पे फॉरन हैक है अर्ली कमेंट हम नहीं दे रहे हैं बट विल फॉलो दिस न्यूज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड करना देन दिस इज कोविड दिस इज कोविड ये है स्वच्छ भारत मिशन टू फेज टू फेज टू स्टार्ट हो रहा है सेग्रीगेशन करे जो कचरा है उसका सोर्स पे ही बता दे कि ये कौन सा किस टाइप का कचरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर करंटली अवेट कर रही है कैबिनेट अप्रूवल फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्च किया सिक्स एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण इसमें क्या रैंकिंग होती है सिटीज की सो दैट एक कॉम्पिटिशन आता है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है स्वच्छता के पैरामीटर्स में अगर पुरानी रैंकिंग्स देखें सर्वेक्षण में तो इंदौर ने तीन बार जीता है पिछले तीन साल से इंदौर नंबर वन पे है सर्वे एक्सपेंडेड 73 सिटीज़ में 2020 का विनर अभी आने वाला है अदर मैंडेट्स जो हैं वो सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन में ये होगा कि जो लेगेसी लैंडफिल है जैसे दिल्ली में भी कचरे का ऐसे पहाड़ बन गया है लैंडफिल्स है सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको हटाओ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इसको भी चेक करो सिंगल यूज प्लास्टिक्स मतलब बहुत सारे पॉलिथिन वगैरह हम देखते हैं एक बार यूज करते हैं थ्रो कर देते हैं ये बहुत बड़ा सोर्स होता है पॉल्यूशन का स्टेट रैंकिंग्स जो हैं सर्वे वे करेगा जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री है इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री करना है और ओ प्लस भी है प्लस में क्या होता है जब टॉयलेट्स मेनटेंड होते हैं ओडीएफ डबल प्लस होता है जब सीवेज सिस्टम भी ऑपरेट करता है तो ओडीएफ ओ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस एक कदम स्वच्छता की ओर तो इसका भी सेकेंड फेज है उसको स्टार्ट करने की बात है एल ओ सी में सीज फायर बेस्ट शॉट है लेटेस्ट सी देवा सेंट्रिक सेटलमेंट डील कोर्ट ने यहाँ पे टेम्पररी रिस्ट्रीन लगाया गडकरी साहब डिस्पाइट कोविड कंस्ट्रक्शन थर्टी टू किलोमीटर अ डे हुआ है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रहा है जब बात आती है रोड बनाने का मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी रोड्स बनाई है वो पास सम टाइम वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस देन दिस इज़ बैक टू स्कूल बच्चे वापस स्कूल में आ गए देन दिस इज पी एस यू टू फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स दिस इज ग्रीन एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इम्पोर्टेंट और ये है ट्राइलेट्रल ह्यूमिलिटी इंडिया पाकिस्तान चाइना दिस इज कॉलिंग ऑफ प्ले एजुकेशन पॉलिसी जनरल बाजवा रीडिंग जनरल बाजवा अपी पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान का कोई एक मास्टर नहीं होता है पाकिस्तान में एक होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ पर चुनाव से जो उनका प्रधानमंत्री बनता है दूसरी इलेक्टेड दूसरा वहाँ पे ये मिलिट्री होती है मिलिट्री भी वहाँ की बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की वो बिजनेस से लेके हर काम करती है मिलिट्री तो काफ़ी डोमिनेट करती है मिलिट्री यहाँ पे बहुत बार कू भी हुआ है इस गवर्नमेंट को ये टॉपल कर देती है थर्ड यहाँ पे आ जाते हैं रिलीजियस लीडर्स तो इसके कारण यहाँ पे ट्राइलेट्रल पावर स्ट्रगल चलता है और पाकिस्तान का कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाता रीडिंग जनरल बाजवा पावर सेंटर कहाँ पे लाई करता है ये भी एक डिफिकल्टी होता है व्हेन यू हैव टू तो डील विद पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ नॉट प्राइवेट प्रॉफिट देन दिस इज द स्टोरीज हाउ टू बुक अ वैक्सीन डोज ये सारी लिस्ट दिया है फोर्टी फाइव प्लस है और इनमें से कोई को मॉर्बिडिटी है इनमें से कोई कोमोरबिडिटी है तो आपको इमिजिएटली यहाँ पे वैक्सीनेशन मिल जाएगा फोर्टी फाइव प्लस में अदरवाइज सिक्सटी प्लस होना जरूरी है गैप बिटवीन वैक्सीन डोजेस को स्ट्रेच करे या नहीं करे ये भी एक थ्योरी है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक पॉलिसी आने वाली है नीति आयोग का एक रिपोर्ट है उसमें यह कहा था कि एक तो इसका कवरेज थोड़ा कम कर दें जिससे बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा फूड सिक्योरिटी एक्ट को फुलफिल करने में जो पैसे लग रहे अर्ली है अस वेट फॉर सम टाइम इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसमें आर्टिकल्स आएंगे अभी इंपॉर्टेंट है पी गैस स्टिल मोस्ट पावरफुल रिपब्लिकन मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प चाइना ने बात किया युगुर यूघुर विद एक्सप्लिसिट पी अटैक चाइना का बहुत डुबियस यहाँ पे रिकॉर्ड है देन दिस इज आर बी आई रिकवरी कंजम्पन बेस्ड है जी एस टी मॉपअप साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी लेटेस्ट क्विकली रिवाइजी वन जीरो सी ए है फर्स्ट जुलाई 2017 को आया था इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको गुड एंड सिंपल टैक्स भी बोला गया कंज़म्पशन बेस्ड टैक्स है कॉम्प्रीहेंसिव है मतलब बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको इसने सब्ज्यूम कर लिया मल्टी स्टेज है मतलब स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन में ऐसे लगता जाता है और पुराना टैक्स आप यहाँ पे वापस रिफंड मांग सकते हो डेस्टिनेशन बेस्ड है पॉइंट ऑफ में पांच स्लैब्स है जीरो पांच बारह अट्ठाइस पेट्रोलियम अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कवर नहीं है एक जीएसटी काउंसिल है इसका आर्टिकल बताइए जीएसटी काउंसिल का फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन एंड स्टेट्स होते हैं डिस्कस करते हैं कॉम्पनसेशन से, है, से नीड फॉर बोरोविंग अभी एक टर्म चला था फोर्स मेजर गवर्नमेंट ने बोला बिकॉज टैक्स कलेक्शन कम आया है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको जीएसटी से लॉस हुआ था तो अग्रीमेंट ये हुआ था फॉर सम टाइम गवर्नमेंट जो भी टैक्स लॉसेज हुए स्टेट को उसको कंपनसेट करेगा बट कोविड हुआ फोर्स मेजर हुआ जीएसटी कलेक्शन डिप हुआ गवर्नमेंट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर स्टेट्स को बोला गया आप इसको बोरो कर लो उसमें हम आपका हेल्प कर देंगे तो इस पर फिजकल फिजिकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, पे यहाँ पे सवाल उठे थे जीएसटी देन दिस इज बीपीसीएल पैसेंजर व्हीकल कंटिन्यू फ्यूल कंजम्पन एट पॉइंट सिक्स परसेंट फॉल्स मार्जिनली नो दिस इज हिंदी आर्टिकल ये इंडियन एक्सप्रेस था हिंदी में आज हम देखते हैं अब सी हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा तो इंडिया में फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी भी है एकात्मक सरकार भी है और संघीय सरकार भी है जैसे यूएसए है यूएसए में जितने स्टेट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है इनडिस्ट्रकटिबल स्टेट्स के मतलब जैसे जॉर्जिया हुआ ये सारे स्टेट्स हैं ये टूटेंगे नहीं इनका अपना आइडेंटिटी रहेगा और USA भी नहीं टूटेगा इंडिया क्या है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है जैसे हमने कितने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया 1955, 56 देन स्टेट्स बने अभी सबसे नया राज्य कौन सा है आप बताओ सबसे नया राज्य दैट इज़ तेलंगाना 2014 में बना हमारा फिर हमने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हुआ तो द पॉइंट इज इंडिया में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है बट स्टेट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़े बढ़ाए बनाए जा सकते हैं डिस्ट्रक्टिबल है संघीय एंड एकात्मक तो अगर फेडरल है तो वहां पे डबल गवर्नमेंट होती है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार की संविधान रिटर्न होना जरूरी है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बाद मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए जैसे कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन टफ है न्यायपालिका जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और द्विसदनीय विधायिका है एक राज्यसभा भी है और एक लोकसभा भी है और यहाँ पे विधानसभा भी है द्विसदनीय सदनीय विधायिका है तो ये बताता है कि इंडिया में फेडरल फीचर्स है ये सारे फीचर्स है हमारे यहाँ बट साथ ही साथ हमारे यहाँ यूनिटरी भी है एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है क्षेत्रीय सरकार बना सकती है संविधान लिखित भी हो सकता है फ्रांस जैसा या फिर ब्रिटेन भी हो सकता है अनरिटेन शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता एकात्मक में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जापान या ब्रिटेन कठोर भी लचीला पॉसिबल है फ्लेक्सिबल है या फिर हार्ड है न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है नहीं भी सो ब्रिटेन संसद चीन में अब यूनिलेटरल यूनिटरी एंड दिस फेडरल तो इंडिया में कुछ फीचर्स यूनिटरी भी हैं और कुछ फीचर्स फेडरल भी हैं दिस इज संघीय एंड एकात्मक सरकार जैसे रेसिड्यूरी पावर इंडिया में सेंटर को मिला है इमरजेंसी पावर होती है तो सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है उसका वर्किंग चेंज हो जाती है गवर्नर का फिर सिस्टम है देन आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है तीन ऑल इंडिया सर्विसेज होती है नाम बताइए उनका तो दिस टेल्स कि इंडिया यूनिटरी भी है और फेडरल भी है दैट इज़ वाई केसी वेयर बोलते हैं कि इंडिया क्वाज़ी फेडरल है ना दिस इज सी सेट सी सेट में बड़ा आसान था ये क्यूब है क्यूब है सब ए है लेंथ ब्रेथ हाइट ए है एज ए है पचास परसेंट बढ़ेगा मतलब ए और पचास परसेंट बढ़ गया ए बाई टू तो थ्री ए बाई टू हो गया

लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ मतलब एरिया एरिया हाइट वॉल्यूम तो नया कितना हो जाएगा, तो जाएगा तो मतलब साढ़े सात का इंक्रीज परसेंटेज निकालना है इंक्रीज अपॉन बेस दैट इज सेवन पॉइंट दैट इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ओके अब अब जो नेक्स्ट है

दिस फोर एक पर्सन का था पचास लोग थे टू हंड्रेड हो गया राइज इन वाटर से एच वन है तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना बड़ा दिस और फोर्टी इंटू ट्वेंटी इंटू एच लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो दोनों को इक्वेट करते हैं एच आ जाएगा ओके एच आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगेन एक हॉल है ये उसका डायमेंशन है एरिया ऑफ फ्लोर हम ऐसे फाइंड कर लेंगे पंद्रह इंटू बारह सीलिंग का कितना होगा पंद्रह इंटू बारह सीलिंग मतलब छत होता है फ्लोर मतलब ज़मीन टोटल कितना हो गया इन दोनों का इसको ऐड कर देते हैं चार वॉल्स हैं तो चार वॉल्स मतलब ब्रेथ इंटू वाइट हाइट इंटू लेंथ ब्रेथ ऐसे करके ये जो चारों है ये 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 ऐसी चार दीवारें इनका एरिया निकालेंगे वो ये आ जाएगा दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज दिस एंड एरिया ऑफ दिस फ्लोर इज इक्वल टू दिस दोनों इक्वल है इक्वल करेंगे तो हाइट आ जाएगा ट्वेंटी बाय थ्री मीटर अब हाइट आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ इं टू दैट इज वॉल्यूम अब आज के सवाल है एक राइट ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है राइट right ट्राइंगल है राइट right ट्राइंगल मतलब दिस right right तो तो अब इसको ऐसे करके रोटेट करेंगे तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा ऐसे कोन बन जाएगा कोन इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा आप बताओ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है छह बारह पंद्रह का एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में से बांटना है दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इतना है स्क्वायर 41 सेंटीमीटर एरिया इतना है तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब दिस ये जो है दिस इज पैरीमीटर अगर ये पूरा फिल कर देंगे तो दिस इज एरिया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी वॉट रेक्टेंगल मतलब दिस ये और ये बराबर है और ये ये बराबर है बट चारों साइड इक्वल नहीं है चारों साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर हो जाता है दिस इज द थर्ड क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन कल इसके सॉल्यूशंस देखते हैं तो आज हमने देखा संघीय एकात्मक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्वच्छ भारत मिशन हाइएस्ट वेबएक्स पीएमआई प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग देन नेक्स्ट इज अबाउट दिस बाइडन कोल्ड कंफर्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर दिस नोट सो टुडे इज सेकेंड ऑफ मार्च ट्वेंटी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल बी सेफ